हेलो जी गुड इवनिंग आप सभी को एक छोटे से मजाक मस्ती के साथ क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट जो जो भाई ये लिख रहे हैं कैसे पुराना हो गया लगा है। है रहे हैं साउंड है रे माइक नहीं था भैया क्या करे तुम्हें हंसाना भी तो है चलो जी तो इसी जोक के साथ बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम और आप सबका स्वागत है क्लास नंबर हमारी नाइन में ठीक है पंद्रह मिनट मैं लेट हूं पंद्रह मिनट मतलब टाइम आपका क्लास का आगे किया था उसका रीजन था मेरे दोस्त आ, कि मैं भी असाइनमेंट जस्ट आपकी पीडीएफ बना रहा था वो तैयार मेरी नहीं हुई थी ठीक है आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे एक बार शेयर कर दे कोई ऐसा है तो नहीं जो हमारा होते हुए हमारा नहीं क्योंकि इस दुनिया में घुन्ने लोग होते हैं अरे जो हमारे साथ होते हैं बट साथ होकर भी साथ नहीं होते उनका साथ किसी और के साथ है जिसके साथ वो ये दिखाते हैं कि हम उसके साथ नहीं लेकिन होते वो उसी के साथ तो हमारे साथ तो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ की हमें जरूरत ना हो है ऐसा तो कोई नहीं है ना जो हमारे साथ होकर भी साथ ना हो सब साथ हैं तो वीडियो को लाइक कर दें मैक्सिमम शेयर कर दें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ज्यादा बातें नहीं करूंगा कल की क्लास में मैंने इतनी बातें कर ली कि हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो एक घंटे से बाहर चले गए नहीं सर अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्जेक्ट सात बज के पांच मिनट पर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी टेस्ट के साथ। तो आप सबका स्वागत है लाइक और शेयर रहिएगा और मैं एनर्जी लाने की खुद में कोशिश कर रहा हूं अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ हूं अंदर से मैं बहुत थका हुआ मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा लेट के सो जाऊं तो मैं बाहर से बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं एनर्जेटिक होने की सर आज मैं एनर्जेटिक कतई नहीं हूं लेकिन मैं आपको पता नहीं लगने दूंगा कि मैं आज एनर्जेटिक नहीं हूं किसी ने सुना तो नहीं ठीक है चलो आओ सर आज की कहानी है क्लास नंबर नाइन की और सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना सर पहला वर्ड है हमारे पास इन फेमस सर यहां से करते हैं स्टार्ट बातचीत एकदम बंद आगे जी सारे बच्चे आगे। अभी नहीं आए भैया अभी सारे के सारे बच्चे आलस में पड़े हुए हैं लॉन्डे अभी पहुंचे नहीं है तो भाई वीडियो को लाइक और फटाक से शेयर कर दो ताकि सारे लौंडे आ जाए बेटा आगे चलिए सर पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं इन फेमस अपना स्पेलिंग लिख लीजिएगा और स्पेलिंग लिख के स्टार्ट करते हैं लो माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ यूं ही सीरियस रहा हूं क्योंकि बेटा वो कैब उसी को याद होगी जो बार बार रिवाइज करेगा और क्लास में रेगुलर रहेगा ठीक है ना चलो इन फेमस इन फेमस का मतलब क्या होता है इन इन फेमस फेमस का मतलब होता है बेटा? इन प्लस फेमस। ठीक है बेटा प्लस ठीक वेरी गुड अब बुक जिनके पास है ना बेटा वो बुक में लिखते चलना ही बातें और जिन्होंने बुक नहीं बुक क्यों नहीं मंगा रहा वे अरे कहा मंगा रहा बुक लालची इंसान अबे अभी 200-300 तीन सो फूक लेगा बाद में फायदा मिलेगा उसका पहली तनख्वाह अस्सी होती है सुना है सीधा खाते में आती है समझ रहे पर सरकारी नौकरी की पढ़ के उसे खत्म भी करना है किताब को एक दूसरा इतना लालची बैठा हुआ है कहते अरे पीडीएफ मिल तो जाती है अब पीछे का कैसे याद करेगा किताब के टेस्ट कैसे देगा इतना कंजूसी मत करके सिलेक्शन में कंजूसी हो जाए छोटे पीछे का कैसे याद करेगा बेटा हंड्रेड सेट से तुझे भी याद करनी है अभी दूंगा मैं होमवर्क देना चालू करूं इतना मैंने इतना लालची इंसान आज तक नहीं देखा कहता सर पीडीएफ मिल तो रही है अभी झंडू कहां सारी पीडीएफ मिलेंगी और पीछे का कौन याद करेगा जो होमवर्क दूंगा तो बेटा किताब मंगा लेना चलो नोट मतलब मतलब और क्या है बच्चा फेमस जो फेमस ना हो, है ना ऐसा लग रहा है ना इन फेमस जो फेमस ना हो जो फेमस नहीं होगा तो क्या होगा बदनाम जो फेमस ना हो तो मुझे बताओ मेरे दोस्त जो फेमस नहीं होगा वो क्या होगा बदनाम तो इन फेमस कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो वेल नोन है फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड कुछ उसके बेकार काम है इसका मतलब वो रेस्पेक्टेबल नहीं है वो रेस्पेक्टेबल नहीं है ठीक है ये चीज याद रखिएगा इस चीज को कहानी में वो रिस्पेक्टेबल नहीं है कई लोग नहीं होते हैं जब आप गली क्रिकेट खेलते हो किनारा लगा होता है कि पकड़ लेता कहता मां कसम नहीं लगा तो कहते हो साला हमेशा मां कसम झूठी खाता है गुरुजी और मैं मां कसम खा रहा हूं कि इसने मां कसम झूठी खाई है मैं लिख के दे रहा हूं इसका एज लिखा है किनारा आया है यहां तक अब आ जाइए गुरु जी और वो मानता नहीं है वो फेमस है इस चीज के लिए वो फेमस है इस चीज के लिए फेमस है भाई साहब वो चीटिंग करता है गेम में गुरु जी ये कभी आउट नहीं मानता तो ही इज इन फेमस फॉर सेइंग दैट चीटिंग इज द वे द गेम इज प्लेड कहता है चीटिंग ही तो एक तरीका है ठीक है जिससे गेम जीता जा सकता है ऐसा आप, आप में दम में सोचता है तो उसको बोलते हैं बेटा इनफेमस 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 अगर अगर वो ही इज ये बंदा है तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे लड्डू ये हो गया एडजेक्टिव ये हो गया एडजेक्टिव आज का पहला वर्ड आगे देखते हैं पाजी दूसरा वर्ड हमारे पास डिस रेप्यूटेबल अच्छा रेप्यूटेबल किससे बना है रेस्पेक्ट से बना है रेप्यूटेबल डिस क्या हो गया नॉट तो नॉट कर देगा डिस रेप्यूटेबल बना है रेस्पेक्ट से तो आज का जो दूसरा वर्ड है वो आ गया डिस रेप्यूटेबल जो रेप्यूटेबल ना हो बहुत आसान वर्ड है भाजी। तो हमने इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया मैंने उसको ठीक है अरे किया है या, कर दिया मजा आ गया देखो डिसरेप्यूटेबल नॉट ट्रस्टेड और थॉट बैड कैरेक्टर इसका मतलब उसकी बैड कैरेक्टर की सोच का हो एक वो इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है रेस्पेक्ट के लायक नहीं है तो वो डिसरेप्युटेबल है मतलब रेप्यूटेबल रेप्यूटेबल रेस्पेक्ट के लायक ठीक है और डिसरेप्यूटेबल रेस्पेक्ट के लायक नहीं है तो बेटा दो दो बढ़िया मोर डिसरेप्यूटेबल मेड फॉल्स क्लेम्स अबाउट हर प्राइवेट लाइफ मतलब बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में फॉल्स क्लेम करते हैं तो ऐसे अखबारों को क्या आपने बोला रहे यारे तो घटिया से अखबार है उसके लिए आपने न्यूज़पेपर क्या बोल दिया उनको डिसरेप्यूटेबल डिसरेप्यूटेबल ठीक है छोटे मेहंदी नहीं लगी टाइप करना है वर्ड ताकि याद हो ठीक है याद हो आ जाओ डिसरेप्यूटेबल अब देखो बेटा जिसको आप क्रेडिट क्रेडिटेबल 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 पर्सन है क्रेडिटेबल पर्सन है मतलब आप उसको क्रेडिट दे सकते हो क्रेडिट क्या क्या आज की जीत का क्रेडिट इसको जाता है क्रेडिटेबल डिसक्रेडिटेबल उसका बिल्कुल क्या हुआ उल्टा इसका मतलब इसका बिल्कुल क्या होगा नेगेटिव उल्टा तो बच्चा इसको अगर हम तोड़े पाजी ये हो गया डिस प्लस क्रेडिटेबल तो कॉजिंग और लाइकिंग टू कॉज अ लॉस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ पर्सन जिस ग्रुप की जिस इंसान की जिस आइडिया की रेपुटेशन ही खत्म बकवास हो गया वो तो उसके लिए बोल दिया डिसक्रेडिटेबल सो देयर टैक्टिक्स जो वो टैक्टिक्स खेलते हैं वर हाईली डिसक्रेडिटेबल बहुत ही ठीक है डिसक्रेडिटेबल उनकी टेक्निक है डिसक्रेडिटेबल उनकी टेक्निक है बाबू ये बोल दिया गया समझ आ रहे हो ऐसे काम करना है ना कि क्रेडिटेबल वो चीजों को लेकर नहीं है ठीक है अब सर आता आहिस्ता सारे YouTube पे आएंगे सारे आएंगे बेटा जयदीप सर आए हैं हल्ला बोल के आएंगे बे इतने सारे बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं तो सब सोचेंगे ठीक है अब हम भी पढ़ा ले भैया सब पढ़ाएंगे भैया टेंशन ले सब से कराएंगे सारे बुकों में एग्जाम्पल भरेंगे क्योंकि आग इतनी फैल चुकी है इतनी फैल चुकी है कि भाई साहब आज सात हजार प्लस वॉल्यूम टू सेल हो गई एक ही दिन में ये रिकॉर्ड तोड़ा है सेवन थाउजेंड प्लस वॉल्यूम टू वो कैब की सेल हो गई सिर्फ कल मैंने इस बात को फटकारा था कि बिना ठीक है इसके कैसे होगा किताब में ऐसे लिखा था विरुलेंट विरुलेंट लिखा था उसमें जहरीला भयानक हां बस मैंने बोला क्या ऐसे याद करो विरुलेंट को क्या ही क्या नहीं भाई साहब तो तहे दिल से शुक्रिया अब बदलाव आ गया है अब बच्चा बोलेगा hey, है, नहीं आता है बुक, है बुक एम का मतलब भी होते और मैंने अपनी किताब में एक्सप्लेन किए हैं तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया चाहूंगा शुक्रिया 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 जाऊं मैं शुक्रिया करते करते ठीक है चलो कल की कल सात प्लस सेल आउट गई है भाई वॉल्यूम टू की और जिनकी आंखें अभी भी नहीं है जिसकी बात कर रहा हूँ छोटे इसकी, कल के कल क्योंकि वॉल्यूम तो बच्चों नहीं ने नहीं मंगा रखी है दोनों मंगा लेना भैया ठीक है चलो जी बुक के बारे में बात करने के बाद वापसी आते हैं सर और हम कर टेक्निक्स so so उनकी क्या है, है। आ जाओ जी अब अगले वर्ड पे आते हैं बेटा इग्नोमिनस इग्नोमिनस सर ऐसे क्यों पढ़वा रहे हो ताकि स्पेलिंग बने स्पेलिंग बनाना लड्डू के बाद देखो भाजी आप बनाओगे इग्नो इग्नो लिख दिया हाँ अब लिख दो मिनस इससे क्या हो जाएगा इससे स्पेलिंग याद बनेगी आपको इगनो मिनस, इगनो मिनस, इगनो मिनस। बोल भी ले थोड़ा सा गुट का थूक के। बोल दे ठीक है है ऐसे आपने इसको बनाना है। तो का भी मतलब क्या हुआ बिल्कुल सेम बेटा स्पेशली ऑफ इवेंट कोई भी इवेंट होता है या कोई बिहेवियर होता है जो बड़ा एम्बेसिंग होता है घटिया किस्म का होता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट फेलियर क्योंकि वो चीज क्या होगी एकदम कंप्लीट फेलियर रही ठीक है जो आपके लिए बड़ी ही क्या रही इग्नोमिन था रिट्रीट जो बहुत ही इंबेरिसिंग था।, था कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई भी ऐसा इवेंट या किसी का बिहेवियर ऐसा जो बड़ा इग्नोमिनस रहा यार मतलब बेटा एक ऐसी हार देखो हारने में बुराई नहीं है हर व्यक्ति जीतता नहीं है हारते भी लेकिन लेकिन मेरे दोस्त किसी ऐसे बंदे से हार जाना जो आपसे कई गुना ठीक है सपोज एक्सपीरियंस नहीं था उसको आप उससे हार गए आपने बोला सर ये इग्नोमिनस फेलियर है ये इग्नोमिनस डिफीट है ये इग्नोमिनस डिफीट है ये सब मतलब आप पर सवाल खड़े होंगे क्या कर रहे थे आप ऐसा कैसे हो गया ये चीज वही है चुटकू इग्नोमिनस याद रखना इग्नोमिनस ठीक है जी इग्नोमिनस अगला है बेटा लाउश क्या बोलते हैं इसको लाउश श बोलते हैं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है लाउश लुच्चा मत बोल देना <laughs> लुच्चा मत बोल देना कहता लुच्चा। कहता लुच्चा लुच्चा कैसे देखो लाउच लाउच नहीं है ये लाउश लाउश लाउच लाउचा 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 ऐसे बोल सकते हो किसी अंग्रेज को लुच्चा बोलेंगे तो ऐसे बोलेगा लाउचा तो लुच्चा इसका मतलब <laughs> वही तो नेगेटिव वर्ड तो आई गया कहीं ना कहीं भाई तो उससे याद रख सकते हो इसे ऐसे टेक्निकली टेक्निकलीउश लाउश ठीक है ठीक है लाउस मेरे खुद श और शह में फर्क है मैं इसमें इसमें साउंड ही नहीं कर पाता मम्मी पापा बचपन में पीट के बता देते तो बता देते मेरे कहों के आप में से लौंडे होंगे ना हो के ये श और शाह कौन सा है मैं शादी बोलता हूं कहता शादी कहता मैंने शादी कहता नहीं शादी बोर समझ नहीं आ रहा भैया क्या है मैंने करनी ही नहीं आ जाओ तो हम बोल दिया हमने बोल दिया इसीलिए तो बच्चा पूछता है ना ठीक है कि जयदीप सर शादी क्यों नहीं कर रहे मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा मेरे को ये श का और शाह का क्लियर नहीं है फंडा समझ नहीं आ रहा अभी मैं शादी बोलना ही नहीं जानता तो करूं क्या ठीक है शाह समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या है चलो आप में से भी कईयों का लोचा होगा जो दोनों है, शा है, इन दोनों स है शाह इनमें फर्क ही नहीं समझ पा रहे हो ठीक है तो जब तक ना समझो शादी मत करना शादी क्या करोगे तुम तो बोल रहे नहीं आता तब तक आ जाओ तो लाउश का मतलब क्या होता है छुटकु लाउश या लुच्चा जो भी आप देखो मजाक मस्ती मैंने इसलिए की इस वर्ड पर अब ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा लेकिन लेकिन मेरे दोस्त स्पेलिंग में पूछा जाएगा इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसलिए मैंने बोला लाउच लाउच लेकिन लाउश लाउश बोलोगे तो स्पेलिंग कैसे याद रहेगा है ना तो ऐसे लाउश ठीक है ऐसे पढ़ना थोड़ा सा इसका अलग से प्रोनाउंसिएशन करना इसकी सो so दैट आपको स्पेलिंग याद रहे चलो सर आगे देखते हैं क्या है नोट कंप्लीटली मॉरल और ऑनेस्ट थोड़ा ऑनेस्ट नहीं है ऑफन इन एन अट्रैक्टिव वे भले ही वो अट्रैक्टिव वे है लेकिन थोड़ा सा ठीक है वो ऑथेंटिक नहीं अच्छा ऐसा ऐसा अगर आप ध्यान से देखोगे छोटू भाई ऐसा आपने कई बंदों को देखा होगा हाँ जो कई बंदों को देखा होगा शादी ब्याह में वो ऐसा डांस करते हैं कि दूसरे शर्मा जाए पता चला भाई साहब वहीं बिछ गए हैं नागिन डांस चल रहे हैं उनकी नागिन चल रही है भाई साहब नीचे नागिन डांस है ऊपर घोड़ी खड़ी हुई है जबकि वो पैर रख सकती है इतने खतरे मोल लेके वो नागिन डांस कर रहे हैं छिछोरे पंथी पर उतराए आप देखते हो ना ऐसे तो वहीं से ये वर्ड समझ जाना जो भी ऐसा वर्ड देखा कहता है तो उसने क्या किया एक छिछोरे ने एक देखो अगर हिंदी हम बोलेंगे इसकी ये निकलेगी एक छिछोरे यंग मैन ने अप्रोच किया उस लड़की को डांस फ्लोर पे कि मेरे साथ नाच नाचेगी लड़की ने कह भी दे कहते नाचो कहते लगाए ला, 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 ला तेरा छपरी वो तुरंत <laughs> कहता भे लड़की से पहली बार मिल रहा है और गाना कौन सा बजवा रहा है इस पर डांस करेगा उसके साथ थोड़ा सब गाना बजा ही लेता भैया कहता नहीं हमका पसंद यही है लड़की आए जाए लाइफ में ना हो गाना नहीं बदलेगा अरे कहा कहते हो गाना तो देखो दमदार छे भैया गाने में कमी नहीं छे तो हमने ये बोल दिया ठीक है आइए अब अगला इसीलिए हमने इस वर्ड को बोल दिया इग्नोमिनस और लाउस ठीक है लाउस को थोड़ा ध्यान में रखोगे ठीक है ठीक है भाई आइए अब आगे बढ़ते हैं बाबू आगे देखते हैं अगला बोला डिसग्रेसफुल डिसग्रेसफुल बेटा ग्रेसफुल पॉजिटिव वर्ड है डिसग्रेसफुल फिर से डिस आ गया तो उसको किसने क्या बना दिया नेगेटिव बना दिया छठे वर्ड का आ जाओ डी डिसग्रेसफुल ठीक है बहुत आसान हो गया ग्रेसफुल तो अच्छा है गुड डिसग्रेसफुल बैड

डिटेस्ट में एबल जुड़ा है तो छोटू ये ये जो है ना मेरे ये बनाया पाजी गुरुजी कैसे याद करो इसकी कोई हिंट है, है इन तो होते हो इंटरेस्ट है मतलब आप उस चीज में क्या होते हो शामिल होते हो तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट है अगर आप उस चीज में शामिल नहीं उस चीज से हट रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं तो डिटेस्ट है ठीक है ना डिटेस्ट है जैसे अच्छा देखो अटैच डिटैच अटैचमेंट डिटैचमेंट ऐसे याद रहेगा तो डिटैच हट रहे हो तो डिटेस्ट हट रहे हो इंटरेस्ट हट रहे हो इस तरीके से आप वर्ड टू वर्ड वर्ड को अप्रोच करोगे ना तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्त आप नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे थे सर पहली क्लास में अब मेरे दोस्त आपकी क्लास नंबर नाइन चल रही है तो ये जो आठ क्लास का एक्सपीरियंस है आपके पास ये कहां जाएगा काम आएगा इसलिए हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासेस को जितनी जल्दी हो कवर कर लो मेरे दोस्त आगे वो मदद करेंगे शब्द ये मत सोचना हर हाँ जिस भी क्लास से आप क्लास ज्वाइन करोगे वहीं से समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन पिछली भी कवर करना एक्सपीरियंस बढ़ेगा सो तो इससे वर्ड याद हो गया अब जिंदगी में कभी ये वर्ड नहीं बोलोगे सही कह रहा हूं ना पाजी है कहीं ये तो नहीं है मैं अकेला अकेला खुश हो रहा हूं मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे अर्थ में बोला शाम को ही भूल गए छर हम तो इसका मतलब नहाया नहीं है तो कई दिन से छोटे नहा ले समझ में बात तो डिटेस्ट इंटरेस्ट डिटैच अटैच है ना ऐसे याद रखेगा चलो आठ वर्ड हो गए बेटा हमारे तो लाउश, और आजो पाजी इसके एंटोनिम अब प्यार मोहब्बत करेंगे इसका मतलब हुआ रेस्पेक्ट वाले शब्द बेटा रेप्यूटेबल डिसरेप्यूटेबल रेप्यूटेबल सर आसान है अब तो फ्री मिलेंगे फ्री मिलेंगे बेटा

ठीक है जिसको आप प्रेज करें उसको बोलते हैं बेटा कमेंडेबल कमेंड कर रहे हो उसकी तारीफ कर रहे हो छोटे कमेंडेबल डिजर्विंग प्रेज़ सो कमेंडेबल एफर्ट्स कमेंडेबल बिहेवियर कमेंडेबल ब्रेवरी कमेंडेबल आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो मेरे दोस्त कमेंडेबल अगला देखिए पाजी अगला है एथिकल बेटा कोई चीज कोई बंदा एथिकल है

अच्छा आपसे कभी किसी ने ये कहा है मुझे साफ साफ बताओ क्या देखा था तुमने वहां अब बंदा क्या कर रहा है एक स्ट्रेस कर रहा वर्ड पे मुझे साफ साफ बताओ मतलब मुझे विविध बताओ एकदम विविध साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ था वहां एकदम साफ साफ ब्राइट एंड क्लियर ब्राइट एंड क्लियर अगर कोई भी चीज एकदम ब्राइट और क्लियर है एकदम साफ है सो आप उसमें विविड़ बोलते हो सर मेरे दिमाग में एकदम साफ इमेज छपी हुई है आप इसे ऐसे भी यूज करते हैं तो आप बोलोगे पाजी प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स और इमेजेस इन माइंड मुझे साफ साफ याद है सर तो आपके दिमाग में पावरफुल फीलिंग आपके दिमाग में पावरफुल इमेज चल रही है ठीक है वेरी ब्राइटली कलर्ड एकदम जिस चीज को आपने बहुत अच्छे से ब्राइटली कलर्ड किया हो तो उस चीज को आप यूज करते हो देखो ही हैज विविड मेमोरीज ऑफ इस ट्रिप टू ताजपुर उसके पास ही हैज विविड मेमोरीज साफ साफ उसकी मेमोरीज हैं ठीक है उसकी ट्रिप जो उसने ताजपुर में की थी जगह गया था उसके लिए उसको वो चीजें याद हैं तो आपने इसको बोल दिया अच्छा शी वॉज वेयरिंग अ विविड पिंक शर्ट एकदम साफ पिंक शर्ट ब्राइट कलर जो होता है उसके लिए विविड बोलते हैं सो विविड मेमोरीज मेमोरीज क्या हुआ नाउन उत्तर जी नाउन से पहले विविड क्या हुआ एडजेक्टिव तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई एडजेक्टिव इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई एडजेक्टिव वो चीज ऐसी है जैसे आपको आ, हर वो इंसान साफ साफ याद होगा जिसने दिल से आपकी मदद की हो जिसके शब्द आपको अच्छे लग गए और उसके बाद आपने पॉजिटिव अपनी लाइफ में शुरुआत कर ली हो तो बेटा वो इंसान आपको पक्का याद रहेगा और वैसे मैं तुम्हें याद रहूंगा नौकरी लेने के बाद भूल तो नहीं जाओगे गुरु जी थे छह बजे आते थे वो कैब पढ़ाते थे है। याद है ना <laughs> याद रखिएगा भाई क्योंकि अक्सर लोग कामयाबी पाने के बाद ठीक है भूल जाते हैं लोगों को हमारे पास एक फयाज भाई आए हैं आज सारा बैच पूरा नहीं करते अरे पगले बेशरम आदमी 170 क्लास पहले बैच में ली थी मैंने वो कैब के 60 क्लास दूसरे बैच में ली थी तब तक 2024 आ गया मैंने इतनी प्यारी रीस्टार्ट ली कि चल भाई इसको सीरियसली काम पूरा करते हैं है? सारे बैच में पूरे करा के देता हूं और तू मुझे कह रहा बैच पूरा नहीं करते वाह है वो सासू माँ वाला काम नहीं कर दिया बहू बेचारी जान दे दे बहू अपनी नशे काट के खून पिला दे सास को लेकिन सास तब भी वही बोलेगी हमारी बहू बहुत ठीक ठाक है बस हमारे तो भागी फूट गए खून दे दो मैं तेरे को निकाल के तब भी मेरे लिए ये शब्द दिल तोड़ दिया दुख है मुझे आ जाओ भाई छोड़ ऐसे लोगों का ये सासू माँ है ठीक है ना मैंने भले ही शादी नहीं की बेटा हाँ लेकिन मेरी बहुत सी सासू माए घूम रही है कमेंट्स में देख लो तुम इनको कह रहे थे ना आप शादी कब करोगे तो हो तो रखिए इन हो रखी मेरी शादी देख लो यही आते अब चलो हाँ अगला देखो बेटा इसलिए हमने क्या बोला विजुअल अच्छा विजुअल भी वही होता है जो विजन विजन पे हो इसका मतलब वो एकदम साफ साफ हो विजुअल एकदम विजन पे हो इसका मतलब वो एकदम क्या हो साफ साफ हो तो उसको बोलते हैं बेटा विजुअल उसको बोलते हैं विजुअल हमारी देखम देखा यूट्यूब चलता है तो मेरे को कह रहे क्लास नहीं लेते हम यूट्यूब पे ट्रेंड सेट करते हैं ये भाई अब YouTube पे पढ़ाओ ठीक है सब दुड़ु दुड़ु आ जाते तो दड़ू थी कोरोना में जब यूट्यूब चैनल बनाया छोटे हैं यहाँ मिलियन में बच्चे प्यार कर रहे हैं ऐसे ही आगे वन पॉइंट वन सिक्स मिलियन हो चुका है अपना चैनल क्या बात करता है यार दुख है मेरे को हार्ट फेल ना हो जाए मेरा देख लेना भाई चलो आ जाओ मेरे

ठीक है साफ साफ बता दे आप ये कह सकते हो उसके लिए हमने ये बोल दिया डेलीट जैसे द मेन कैरेक्टर्स आर क्लियरली डेलीटेड इन द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली अच्छे से उनको हाईलाइट किया गया है अच्छे से उनको बताया गया है उसके लिए वर्ड यूज होता है मेरे भाई डेलीट अच्छे से उनको हाईलाइट किया गया है अच्छे से उनके बारे में बताया गया है उसको हम डेलीट बोल के चलते हैं ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट देखते हैं अब ये वर्ड आपने सुना होगा यार ग्राफिक बेटा ग्राफिक वही तो है अब ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहा होगा आप कोई ज्यादा हाई uh, फाई वाली वीडियो चला रहे हैं गेम खेल रहे हैं तो आपको धुंधला नजर आएगा आप बोलोगे ग्राफिक कार्ड डलवाना पड़ेगा तो बेटा ग्राफिक का काम यही होता है जो पावरफुल और क्लियर इमेज आपको दिखाते हैं आ, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन और अकाउंट एकदम जो आप ये कहो ही इन ही इंस्टिटेड ऑन डिस्क्राइबिंग हिज ऑपरेशन इन ग्राफिक डिटेल में दिखाओ मुझे साफ साफ ताकि वाइल वी वर ईटिंग लंच तो उसने भाई सब दिखाया उस चीज की ग्राफिक डिटेल्स एकदम गहराई की डिटेल्स एकदम साफ साफ उसने चीजें दिखाई ग्राफिक विजुअल ये चीज याद रहेगा ठीक है ऐसे ही वर्ड होता है बेटा डेपिक्टेड पता है किससे है डेपिक्ट वर्ब से बना है डेपिक्टेड बताए किससे है डेपिक्ट किस वर्ड से बना है डेपिक्ट का मतलब क्या होता है टू रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन अ पिक्चर और स्टोरी डेपिक्ट करना ठीक है ना कैसे डेपिक्ट करना किसी भी चीज को ठीक है किसी भी चीज को ये कहो ये इमेज में ये चीज डिपिक्ट करती है मतलब इस चीज को ये चीज दिखा रही है जैसे हमने बोल दिया हर पेंटिंग्स डेपिक्ट लाइफ ऑफ ऑर्डनरी पीपल इन द लास्ट सेंचुरी उसकी पेंटिंग डिपिक्ट करती है शो करती है दर्शाती है देखो हिंदी ये बोल सकते हो आप इसकी दर्शाती है उसकी जो पेंटिंग है दर्शाती है ठीक है उसकी पेंटिंग्स पेंटिंग ऑफ ऑर्डनरी पीपल जो लास्ट सेंचुरी में ऑर्डनरी पीपल की जो लाइफ रही उसको वो दर्शाती है उसको हमने डेपिक्ट बोल दिया तो उसके लिए वर्ड यूज कर दिया डेपिक्टेड आ जाओ एक्सप्रेसिव बेटा एक्सप्रेसिव किससे बना है एक्सप्रेस से बना है एक्सप्रेस करना बताना एक्सप्रेसिव बना है अगर आप चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो तो बता रहे हो क्लियर कर रहे हो है ना जैसे डेपिक्ट अच्छा डेपिक्ट ये चीज कर दिया आपने सो so, डेपिक्ट कई बार पकड़ना भी आप ले लेते हो ठीक है ना याद रखिएगा एक्सप्रेसिव किससे बना बेटा एक्सप्रेस करने वाला सो so, जब आपने एक्सप्रेसिव बोला अरे कहा गया बोला क्या इसको इसलिए मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है ना एक्सप्रेसिव कई पशु का नेचर भी होता है एक्सप्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है आप चीजों को एक्सप्रेस करो इजी वर्ड था इसलिए मैंने नहीं लिखा एक्सप्रेसिव बोलते हैं ना एक्सप्रेस करो अपने आप को एक्सप्रेस सेल्फ बताओ अपने बारे में अच्छा अगला बेटा पिक्चोरियल पिक्चोरियल का वर्ड ये भी मैं जो है सिंपल वर्ड है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं बेटा पिक्चोरियल किससे बना पिक्चर जिसको आप पिक्चोरियल कर दो जिसको पिक्चराइज कर दो एकदम अच्छे से बना दो अब इसकी स्पेलिंग लिख के छोड़ दो फटाक से लिख के छोड़ दो देखो अब आपकी स्पेलिंग भी इंप्रूवमेंट में है है तो ये हुए बेटा विविड विविड हुआ विजुअल हुआ डेलीनेटेड हुआ ग्राफिक हुआ डिपिक्टेड हुआ एक्सप्रेसिव हुआ और पिक्चोरियल हुआ अब आप किताब में एक चेंज और करो पेंसिल लेके बैठा करो बेटा किताब लेके बैठा करो क्लास में पेंसिल लेके बैठा करो अब आप पता है जिस जिसको मैं बोलू सर स्टार लगा दो विविड आसान था बेटा इसपे स्टार लगा दो ये थोड़ा मुश्किल है बाद में रिवाइज करना इस पे स्टार लगा दो हां बेटा बाकी एक ही बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है याद रह जाएंगे मुझे पता है मेरे पुत्र तो किससे याद रहेगा ठीक है तो आपको इसमें दिक्कत आएगी और इसमें दिक्कत आएगी ध्यान रखिएगा चलो मेरे शेर अब इसके एंटोनिम देखते हैं धुंधलाहट छा जाएगी धुंधलाहट आ जाओ देखो अब इससे भी इसके सुनौनीम मिलेंगे डेटरमिनेट करना बेटर डेटरमाइन करना डेटरमिनेट टॉपिक भी होता है डेटरमिनेट ऐसा बना है डेटरमाइन करना डेटरमाइन करने का मतलब होता है बेटा जो चीजों को फिक्स करे बताए है ना डेटरमिनेट डेटरमाइन करने से बना है इसका मतलब सर ये डेटरमिनेट इसका सिनोनिम हो सकता है विविड का हाँ इनडेटरमिनेट इन किसके दिखाएगा नोट को दिखाएगा सो नोट डेटरमिनेट इसका मतलब जो चीज डेटरमाइन ना करे डेटर्मिनेट डेटरमाइन से बना है इनडेटरमिनेट जो डेटरमाइन ना करे तो आपने बोल दिया नोट डेटरमिनेट सर वो नोट को यहां पर आप देख के चलोगे ठीक है चलिए अच्छा हमने यही बोल दिया इनडेटर्मिनेट नोट मेजर्ड काउंटेड

वेरी गुड इनडेटरमिनेट जिसका नहीं पता अच्छा वेग रिप्लाई कई बार बोलते ना वेग वेग का मतलब क्या होता है क्लियरली जब आप किसी चीज को ना बताओ जैसे पापा ने बोला अरे तो पिछले महीने किसी लड़के के साथ बाहर घूमने गया था आपने बोला हाँ? पापा याद नहीं है थोड़ी वेग मेमोरी है पापा हाँ पापा ने बोला मैं याद दिला दूंगा बेटा हाँ, तेरा बाप किस काम आएगा हाँ हाँ एक बार डंडा लाना आप कह रहे हाँ पापा अब जो वेग है ना हाँ वो विविड होता जा वेग चीज थोड़ी सी याद आती जा रही है हो रहा ना जैसे जैसे पापा नजदीक आ रहे हैं तुम्हारी याददाश्त तेज होती जा रही है हाँ पापा याद आ रहा है हाँ 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 पापा वो तो बिल्कुल पापा मेरी मुंह बोली बहन जैसी है समझ रहे हो वही चीज यहां पर आती है छोटे वेग वेग का मतलब यही है धुंधला सा वेग मेमोरी विविड मेमोरी साफ साफ है वेग मेमोरी धुंधलाहट में है सो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस नॉन या डिस्क्राइब या डिसाइडेड जो आप क्लियरली डिस्क्राइब नहीं करते डिसाइड नहीं करते उसके लिए आप वेग रिप्लाई वेग शब्द का यूज करते हो सो आई डू हैव अ वेग मेमोरी मेरे पास है थोड़ा ऑफ मीटिंग हर मैनीय है वो कई साल पहले मिला होगा होगा ठीक है कई साल पहले मिला, साल पहले मिला अच्छा ऐसे ऐसे आप ना बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं जब आप गांव में जाते हैं ना हाँ, आपको बुलाते हैं अरे अरे इधर आ बेटा हाँ हाँ किसका है तू और आप कहते हो मैं और अपने पापा का नाम बता दे तो कथा है ये कौन है तेरे दादा का क्या था दा, दादा का और आप कहते हो दादा ये अच्छा तू उसका बेटा है आप देखो अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो आपके पापा का वो नाम लेंगे जिस नाम से गांव में उन्हें चिढ़ाते थे ठीक है अच्छा हाँ तो तू तो उसका बेटा है चिरलू का कहते चिरलू नहीं नहीं है दादाजी मैं चिरलू का बेटा नहीं हूं हाँ मैं उसका हूं कहता है उसी को तो चिरलू कहते थे अब तुम खुश पापा का नाम पता चल गया ठीक है ना फिर घर जाके पापा को चिरलू कहते थे चिरलू कहते क्यों कहते थे पापा अब पापा बता नहीं रहे और तुम्हें पता है कुछ तो पापा के भी रहस्य हैं जो गांव के ऐसे खुले हैं और तुम कहते हो पापा मुझे मार रहे थे आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला है है ना धुंधला धुंधला सा जरा रोशनी डाल दो उस चीज पे चिरलू क्यों कहते थे आपका कुछ तो बात थी पापा दादाजी बता रहे थे क्योंकि बुजुर्ग इतने बड़े मजे में हैं और तुम भी मजे में हो और पापा कई दिन तक तो तुमसे नजरे चुराए चुराए घूमेंगे क्योंकि पुराने किस्से हैं चलो जी आ जाओ भैया ठीक है तो एकदम खुश हो रहे हैं कहते तो बस आस तो पापा की बुराई होगी एकदम खुश है कि नहीं

डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सी जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो क्लियर नहीं है सो ऑफिशियल पॉलिसी हैज चेंज फॉर रीजन दैट रिमेन ऑबसिक्योर पॉलिसीज में चेंज आया है क्यों आया है कहते हैं रीजन तो अभी ऑब्सिक्योर है पता नहीं लग पा रहा है रीजन क्या है थोड़े हिडन है समझ नहीं आ रहे हैं पता हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मेरे दोस्त ऑब्सिक्योर शब्द का यूज किया जाता है जो क्लियर ना हो पता होना कारण क्या है ऑब्सिक्योर हो अच्छा अनक्लियर मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा और हैजी भी आपने सुना होगा हैजी भी होता है झोल मचोल में मामला है चलो ये आ गया ऑप्शिक्योर यहाँ पर भी मैंने एक एक्सपीरियंस किया है देखो मैंने आपके बोला ना धुंधला होना या एक ऑप्सिक्योर मैंने बोल दिया टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन सुनने या चीजों को देखने से बचाना हिडन करना बताया ना मैंने द सन वॉज ऑप्सिक्योर बाय क्लाउड्स

थोड़ी सी <laughs> अनक्लियर है तेरी मेमोरी आज मैं विविड रूप में दिखाती हूँ फिर तुम्हारा बचपन का मम्मी एक फोटो निकालती है जिसमें तुमने चड्डी नहीं पहनी होती ठीक है और इस फोटो को तुम्हें दिखाते तुम कहती हो मम्मी इस फोटो को जला देना मम्मी कहती है चार कॉपी और है ठीक है ऐसा और वो फोटो तुम्हारे रिश्तेदारों तक तो बटा हुआ है भाई साहब रिश्तेदारों तक तो इधर उधर घूम रहे हैं फिर पता चलता है तुम्हारी शादी हो गई फिर तुम्हारी वाइफ है अरेंज मैरिज में खासकर बड़ा एम्बेरिस हो जाता है फिर घर वाले वही फोटो आपकी पत्नी को दिखा रहे होते हैं ये देखो हाँ। बचपन में तो चड्डी भी नहीं पहनता था देखो आज कितना हाँ। देखो भगवान कितना बड़ा हो गया शादी हो गई देख रही हो बेटा और तुम कौन है सलक का इज्जत रहेगी बे ये होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक अरेंज मैरिज का तैयार हो जाओ जिन दिन को अरेंज मैरिज करनी है अपनी फोटो निकालो बचपन की ढूंढो खोदो जला दो वरना समझ जाओ आगे देखो छोटे <laughs> तो आपने बोला ये वर्ड इसको लिए बोलते हैं हम ये वर्ड देख लो बेटा तो हमने क्या बोला इनडेटिनेट वेक ऑब्सिक्योर अनक्लियर और हेजी। ये वर्ड आते आते हैं धुंधलाहट की तरफ आपको लेके जाते हैं चलो सर अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं बेटा आज का लेस्ट स्टेप है डिप्लेट डिप्लेट अगले कौन सा वर्ड है चुटकू <laughs> ये वर्ड है पाजी आज का छब्बीस डिप्लेट करना अच्छा डिप्लेट करने का क्या मतलब होता है जयदीप सर लगे हाथ बताई दो फिर थे, ठीक है डिप्लेट करने का क्या मतलब है बेटा करने का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आप देखो ध्यान से सुनो इसको कैसे याद रखोगे इसको ऐसे याद कर रख लो डी पी प्लस ई टी डेप को अलग क्यों करा रहे हो गुरुजी डेप्रीशिएशन अच्छा एक बात बताओ अगर मैं ये कहूं आपकी कोई चीज डिप्लेट हो रही है बढ़ नहीं रही है डीक्रीज हो रही है डेप्रीशियेशन में भी डेप होता है एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन जब आप कोई गाड़ी लेते हो कोई भी चीज लेते हो अगर वो डेप्रीशिएट हो रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही कम हो रही है तो वो चीज डेप्रीशिएट कर रही है एप्रीशिएट नहीं कर रही है पाजी। वही चीज यहां पर है डेप और प्लस एलई टीई बन गया सो so, मतलब डिक्रीज होना किसी भी चीज में जब साइज में अमाउंट में मनी हो रिसोर्सेज हो ठीक है जैसे हम बेटा अपने रिसोर्सेज का डेप्लीट यूज कर रहे हैं गलत है सर हमें उनका डेप्लीट यूज नहीं करना चाहिए बेटा जब आप किसी चीज को कम करते रहते हैं ऐसे यूज करते रहते हैं उसको बोलते हैं बेटा कम ही होना तो रिड्यूस टू रिड्यूस इन साइज अमाउंट लाइक मनी रिसोर्सेज जब आप इन चीजों को कंज्यूम करते हैं खाते हैं एब्सॉर्व करते हैं ठीक है ना इन चीजों को क्या करते हैं एब्सॉर्व करते हैं खाते हैं स्पेंड करते हैं ये तो हो रहा है क्या करते हो उसको स्पेंड करते हो आप चीजों को तो अब उस केस में आप यूज होते हैं डेपलेट डेपलेट ठीक है याद रखिएगा चलो इफ वी कॉन्टिन्यू अगर हम लगातार क्या करते रहे डेपलेट करते रहे अपने अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को तो क्या हो जाएगा बेटा वी विल कॉज सीरियस डैमेज टू द एनवायरमेंट एनवायरमेंट को हम सीरियस डैमेज कर देंगे अगर हम क्या करते रहे डेपलेट करते रहे मतलब यूज करते रहे अपने अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से बेटा उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हो तो ये क्या हुआ वर्ब की तरह यूज होने वाला वर्ड बन गया आइए इसी का आपने सिनोनिम क्या देखा करना करना बेटा सोख लेना कर देना मतलब आप उस चीज को ठीक है क्या कर रहे हो मतलब यूज कर रहे हो मतलब कंज्यूम कर रहे हो अच्छा कंज्यूमर क्या करता है कंज्यूम करता है कंज्यूमर है आप वही तो आप कंज्यूम करते हैं चीजों को कंज्यूम वर्ब है इससे बना है बेटा कंज्यूमर वर्ब आप उस चीज को एग्जॉस्ट करते, है, करते हैं खत्म करते हैं एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन होता है एग्जॉस्ट फैन सुना ना बेटा हवा खींचता है या फेंकता है फेंकता है तो आप चीजों को यूज कर रहे हैं एग्जॉस्ट कर रहे हैं एग्जॉस्ट कर रहे हैं चीजों को आप चीजों को ड्रेन कर रहे हैं ड्रेन बहा दिया मतलब यूज कर रहे हैं इसलिए इसके ये सिनोनिम्स बने देखो कितने आसान वर्ड हो गए तो अब देखते हैं एग्जॉस्ट को पहले ठीक है ना भाई इसको मैंने एक्सप्लेन किया अब एग्जॉस्ट को मैं समझा देता हूं तो ये आसान है एब्जॉर्व करना कंज्यूम करना मैंने एक्सप्लेन नहीं किया एग्जॉस्ट को किया है आज मेरे दोस्त समझते हैं क्या टू मेक समथिंग एक्सट्रीमली टायर्ड कई बार आपने बोल दिया सर आई एम एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड मतलब ऐसे मत बोलो आप ये बोल दो जैसे very beautiful, gorgeous, very tired, exhausted. So, exhausted होता बेटा बहुत ज़्यादा तरीके से थक जाना दोस्टेड द चिल्ड्रन उस लॉन्ग जर्नी ने छोटे बच्चों को क्या कर दिया एग्जॉस्ट जैसे नहीं होता आप कहीं घूमने जाते हैं पूरी एनर्जी के साथ छोटे छोटे बच्चे कहीं भी घूमने लेके जाओ उनको पूरी एनर्जी के साथ आके बैठ जाएंगे हुरे, हुरे, होता है ना किसी किन भी छोटे बच्चों को घर परिवार के बोलो चलो बेटा घूमने जाना तुरंत तैयार लंबी जर्नी के लिए कहता आठ घंटे का रास्ता कहता कोई टेंशन नहीं तुरंत गाड़ी में बैठेंगे फटाफट फटाफट कहीं भी एडजस्ट कर लो उनको हाँ थोड़ी देर तक तो पूरे हल्ले हा हुल्ले हा चलती है फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म फिर टैर ऊपर है सर नीचे आराम से ऐसे डिग्गी में पड़े हुए हैं कहीं धुणधार दुंदा, धुंडार सोते हुए जा रहे हैं उनको जर्नी कोई इंजॉय नहीं करनी वो तभी आंखें खोलते हैं जब उन्हें सुसु करना होता है बार बार गाड़ी रुकवाते चलते हैं मम्मी चुच कहते है, चल भाई रोक दे भाई चलो फिर होगा उनको कोई मतलब नहीं जर्नी का एक दो लोंडा अलग ही सिस्टम होता है उसको वोमिटिंग भी होती है ठीक है अलग अलग टाइप के अपने लोंडे वो वोमिटिंग करते हुए पूरा आठ घंटे से चल रहा है और हम उसके शरीर को देख रहे हैं एकदम सुखड़ा सा पतला सा बच्चा अभी इतनी वॉमिटिंग ला कहां से रहा है तू तुरंत थोड़ी सी गाड़ी चली नहीं मम्मी वॉशरूम थोड़ी सी गाड़ी चली मम्मी वॉमिटिंग आ रहा है ले भाई साहब और हम इसको खिलाया नहीं है खाली ही नहीं हो रहा है खिलाये खिलाये कुछ है नहीं वॉमिटिंग कहां से कर रहा है लौंडा और हम ऐसे परेशान ठीक है तो उस लॉन्ग जर्नी के बाद हमने बोला वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं एग्जॉस्टेड बेटा ये तो बहुत एक्सट्रीम तरीके से थक जाना ठीक है और ये जो हसरे है ना ये इनमें से जो दो नाम लिए ना मैंने दो टाइप के लोंडे तुम में से भी कई लॉन्डे हैं ऐसे ही थे वो मम्मी से पूछना आज बताएगी तुम्हारी क्या हालत थी नेक्स्ट बेटा एग्जॉस्ट करने का मतलब होता है किसी देखो अगर हमने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया मतलब आपने अपने आप को एक्सट्रीम पे यूज कर लिया आप खत्म थक गए बेटा आप वही चीज यहां पर है टू यूज समथिंग तो आपने चीज को एग्जॉस्ट कर दिया हाउ लॉन्ग विल इट टेक ठीक है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द वर्ल्ड फ्यूल आर एग्जॉस्टेड कितना टाइम लगेगा कि वर्ल्ड की फ्यूल सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी खत्म हो जाएगी आई एम अफ्रेड हा हीज एग्जॉस्टेड माई पेशेंस मुझे ठीक है ना डर है मेरा पेशेंस वो एग्जॉस्ट कर रहा है मेरा पेशेंस खत्म कर रहा है अब तुम गाली पे आ जाओगे ठीक है या अब तुम उसको कूट दोगे तो वो तुम्हारे पेशेंस को क्या कर रहा है एग्जॉस्ट कर रहा है उसके लिए ये वर्ड वर्ड यूज किया जाता है एग्जॉस्ट बेटा अगला वर्ड हमने बोल दिया ड्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है टू मेक सम वन वेरी टायर्ड बिल्कुल सेम जैसे सर द लॉन्ग जर्नी कंप्लीटली ड्रेनड मी सर मुझे ड्रेन्ड कर दिया मतलब ये थका दिया आपको एग्जॉस्ट कर दिया मेरे दोस्त अब ये एग्जांपल इसी काम आएंगे क्या पता पेपर में क्या पता पेपर में सच्ची सच्ची बताओ अगर इसको फिलिंदा ब्लैंक्स में दे देता बेटा और यहां मैं कुछ भी दे दू यहां मैं दे लॉन्ग जर्नी द द द लॉन्ग 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 जर्नी 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 एग्जॉस्ट मी मी टायर मी कुछ ऐसे दे दो आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे लेकिन अब पहचान लोगे आप बोलोगे देखो ये सिंगुलर वर्ब है द लॉन्ग जर्नी जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ड्रेन तो हो एग्जॉस्ट ऐसे लगता है एग्जॉस्ट नहीं था ट्रेन हो सकता है क्योंकि पास्ट में हो सकता है टायर नहीं हो सकता तो आप इस ऑप्शन को चुनते एक वो, वो, वो परेशान हो जाएगा दिस इज रीजन जब आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं तो आप अपने को तैयार कर रहे हो बेटा द ब्लैंक्स के लिए भी उसी को मैं ग्रामर से रिलेट करके भी डाल सकता हूं तो वो चीजें आपकी बाद में बहुत मदद करेंगी ठीक है ना चलिए टू रिड्यूस और कॉज समथिंग टू रिड्यूस किसी चीज को कम करना या कम करने का कारण बनना मतलब ड्रेन और एग्जॉस्ट बिल्कुल दोनों सगे भाई हैं मीनिंग में द लॉन्ग वॉर द रिसोर्सेज ऑफ बोथ कंट्रीज बेटा जब युद्ध होते थे ना युद्ध में दोनों कंट्रीज के रिसोर्सेज जो होते थे क्या हो जाते थे ड्रेन खत्म होते ना सर यूज करते थे सर तो ड्रेन उसके लिए बना हुआ है अगला वर्ड देखते हैं बेटा अबीट करना अबीट करना अब अबीट अब करने का भी मतलब होता है दो तरीके से ध्यान से सुनिएगा अगर ठीक है अगर हम अबेट कर रहे हैं किसी चीज को तो टू बिकम लेस स्ट्रांग वो चीज कमजोर होती जा रही है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग या उस चीज को आप कमजोर बनाते जा रहे हैं दूसरा इफ समथिंग सच एज लेवल अगर अबेट हो रहा है इट गोज मोर स्लोली देन बिफोर और या इट गोज डाउन मतलब या तो जिस ग्रोथ से वो बढ़ रहा था बढ़ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं गिरावट है उसमें उसको भी बोलते हैं बेटा अबेट मतलब दो तरीके से ये यूज होता है या तो किसी चीज को आप क्या कर रहे हो अबेट कमजोर कर रहे हो लेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हो या प्राइजेज हुए या बाकी चीजें हुई वो कम हो रही है उसके लिए भी अबेट शब्द का प्रयोग किया जाता है ठीक है जैसे भाई अवर डिजायर हमारी जो इच्छा है फॉर कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स की जो हमारी इच्छा है abated, कम नहीं हुई है उसमें गिरावट नहीं आई है। दूसरा ग्रेन इन ऑयल प्राइजेज अगर जो बढ़ोतरी आई है में, आर अबेट नेक्स्ट अगले में अगले वो अबेट हो जाएगी। मतलब तो उतनी ज्यादा ग्रोथ से तेजी नहीं होगी अबेट, अबेट याद एग्जाम में कई दफा पूछा गया कई दफा पूछा गया याद रखिएगा उस वर्ड को उतना है देखो देखने में स्पेलिंग में तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा लेकिन सर याद रखना भारी पड़ते हैं so, बेटा हमने बोल दिया एक कीमोथेरेपी जो होती है एग्जॉस्टेड एंड डेलीबेटेड है उसको उसको थका देती है और उसको डेबिलिटेट कर रही है मतलब कम कर रही है बेटा इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है पेपर में जरा ध्यान से होना कमजोर कर देना उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं ठीक है आ जाइए एक बार पढ़ते हैं क्या था डेप्लीट कम क्या था एब्जॉर्व क्या था कंज्यूम क्या था एग्जॉस्ट क्या था ड्रेन क्या था अबेट क्या था डेबिलिटेट कमजोर कर दिया आपकी बॉडी पुअर डाइट बेकार डाइट आपकी बॉडी को डेबिलिटेट कर सकती है वीक कर सकती है ठीक है दूसरा एक्सपेंड और स्पेंड था बेटा एक्सपेंड करना और स्पेंड करना एक्सपेंड कर रहे हो चीजों को ठीक है यूज कर रहे हो बढ़ाना भी बोलते हैं एक्सपेंड करना है उनको खर्च करना और एक क्या है स्पेंड करना बेटा स्पेंड और एक्सपेंड सबको पता है ठीक है इसलिए मैंने शायद एक्सप्लेन किया भी नहीं होगा एक्सपेंड किया बस टू यूज और स्पेंड टाइम एफर्ट या मनी जो आप एक्सपेंड करते हैं तो यू एक्सपेंड सो मच आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है एक्सपेंड से क्या बना बेटा एक्सपेंडिचर तो ये वर्ड इतना मुश्किल है नहीं हालांकि मैंने एक दो वर्ड लाइन लिख दी उस पर लेकिन आप उसे पढ़ सकते हो एक्सपेंड से एक्सपेंडिचर बना है ठीक है एक्सपेंड और स्पेंड करना तुम ज्यादा अपना टाइम स्पेंड सोशल मीडिया पर मत करो समझ रहे हो ना अपना टाइम ज्यादातर क्लासेज में स्पेंड करो एक्सपेंड तो एक्सपेंड से एक्सपेंडिचर बना है स्पेंड दोनों वर्ड आपको याद रह जाएंगे ठीक है मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं तो ये हुआ इसका सिनोनिम देख लो एक बात ध्यान से अब इस पर किस किस पे स्टार लगवा देना चाहिए आपको देखो बेटा डेप्लेट इस पर स्टार लगा लो डिफिकल्ट है अब एब्जॉर्व याद रहेगा कंज्यूम याद रहेगा एग्जॉस्ट याद रहेगा ड्रेन अब एग्जॉस्ट और ड्रेन की आपको पूरी एक्सप्लेनेशन याद है मेरी देख लो भाई ये एक्सप्लेनेशन हाल आपकी फायदा करेगी अब अबीट से स्टार लगाओ, पे स्टार लगाओ। कितने word मिले तीन वर्ड मुश्किल मिले जो आपको दोबारा मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद भी देखना पड़ेगा वरना बच्चे इसको 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 बस ऐसे आपको बुक याद होती चली जाएगी तो इतने वर्ड में अब तक आपको याद करा चुका हूं ठीक है आपको मजा आ जाएगा ठीक है बेटा डन है चलिए जी अब हमने इसके एंटोनिम्स को देख लिया

सैलरी को ऑगमेंट कर रहा है मतलब सैलरी को सेव कर रहा है छोटे तो ऑगमेंट करने का मतलब क्या है टू इंक्रीज द साइज और वैल्यू ऑफ समथिंग बाय एडिंग समथिंग टू इट किसी चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हो ऑगमेंट कर रहे हो सो so, ऑगमेंट का आ गया ही वुड हैव टू फाइंड वर्क टू ऑगमेंट हिज इनकम इनकम को बढ़ाने के लिए बढ़ोतरी करने के लिए छोटे आपको ऑगमेंट करना होगा

मजबूत बनाना चीज को तो बेटा वहां क्या था सर डेबिलिटेट करना बॉडी कमजोर हो रही है डेबिलिटेट कर रही है इट स्ट्रेंथन कर दो चीज को बढ़ा दो वो उसका हो गया ऐसे ही बेटा इनफोर्स तैयार हो गया इनफोर्स करना वहां आप चीजों को क्या कर रहे थे कमजोर यहां क्या कर रहे हो इन्फोर्स कर रहे हो ठीक है इनफोर्स मतलब टू तो गिव फोर्स टू तो या स्ट्रेंथन और टू तो मेक पीपल ओबेलो बेटा इन्फोर्स होता है हाँ सॉरी इसको बेटा एक और वर्ड का नाम दे देखो एक तो इन्फोर्स का मतलब हुआ फोर्स में लेके आना ताकतवर बनाना हाँ एक इनफोर्स होता है जो पुलिस करती है फोर्स कानून को इनफोर्स पुलिस भी करती है क्या करती है टू मेक पीपल ओबे अ लॉ ताकि लोग फॉलो करें कानून को ठीक है और टू मेक अ पर्टिकुलर सिचुएशन हैपन टू एक्सेप्टेड और बी एक्सेप्टेड मानना पड़ेगा तो इन्फोर्स कर रहे हो कर रहे हो सो द न्यू टीचर लागू नहीं कर पाया तो इनफोर्स को आप एक हिंदी वर्ड ना लागू करना लिख सकते हैं ना नया टीचर डिसिप्लिन लागू नहीं कर पाया इन्फोर्स करना तो इन्फोर्स किसी चीज को स्ट्रेंथन देना या मेरे बच्चे पीपल को मजबूर करना कि वो करें ठीक है ना उन्हें इन्फोर्स करना फोर्स करना कि वो कानून को फॉलो करे ठीक है तो ये थे मेरे दोस्त आज की बातें ये होगी बेटा किताब अब हम बात करते हैं आज के टेस्ट के बिना टाइम गवाए ठीक है चलिए अब आज के टेस्ट की ये क्लास नंबर नाइन है बेटा विद टेस्ट है तो बच्चे टेस्ट के बिना तो सब कुछ अधूरा है मजा ही नहीं है इसी से तो आपका बेटा जिसको टेस्ट देना अच्छा लगता है फिर वो क्या बैच का कोई फायदा नहीं है बेटा फिर बैच क्यों ले रहे हो आप पेपर में तो यही क्वेश्चन तो आने हैं जब क्वेश्चन करने का ही मन ना करे तो बैच का कोई फायदा नहीं बेटा फिर ये ध्यान रखेगा कई बच्चे होते हैं ना उनका मन नहीं करता है टेस्ट देने का बेटा कोई फायदा नहीं और मैं टेस्ट भी अपलोड कराया करूंगा अब मैं पहली क्लास से लेकर नौवीं क्लास तक के टेस्ट भी उनके साथ पीडीएफ के साथ इंक्लूड करा के एक से नो क्लास टेलीग्राम पे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा चलिए मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन से लग जाते हैं लेके प्रभु का नाम क्वेश्चन नंबर वन इसमें कह रहा है बेस्ट एक्सप्रेस जो इसके मीनिंग को करे इसका मतलब हमें इसका सिनोनिम बताना है इसका मतलब हमें इसका सिनोनिम बताना है मेरे दोस्त सब मिलके मुझे एक बार ठीक है एक बार इसका सिनोनिम बता दें तो मुझे बेहद खुशी होगी और मैं फटाफट जाके लड्डू बांट दूंगा <laughs> बताओ जी बताओ जी बताओ जी बताओ जी <clears throat> क्या आ गया मेरे भाई सर पहले का अगर हम सिंपल आंसर देखें तो बी आंसर हमारे पास आ रहा है डेस्पिकेबल इनफेमस डेस्पिकेबल ऑनरेबल सर इसका एंटोनिम हुआ हैप्पी कोई मतलब नहीं इन रिच से कोई मतलब नहीं आ जाओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर टू अरे लाउश लाउश नहीं सर आप तो लाउच लाउच यार वेरी गुड इसका बताना है मेरे दोस्त अपोजिट तो ये नेगेटिव वर्ड था डिस जिसकी आप करते हो जिसकी डिसरेस्पेक्ट करते हो वो लाउश था लेकिन लाउश का हमें क्या बताना है उल्टा उल्टा मतलब जिसको आप अप्रिशिएट करो ट करो सो कमेंडेबल रेस्पेक्ट आप इसको चुन लोगे रेस्पेक्टेबल आप चुन सकते हो इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं कि आप ये बोल दोगे बहुत बढ़िया मेरे दोस्त तो दो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो बेटा देखो देखो देखो, देखो जयदीप सर की टेक्निक बताता हूं मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया डायरेक्ट सिनोनिम एक क्वेश्चन बनाया इनडायरेक्ट एंटोन मतलब डायरेक्ट एंटोनिम सीधा सिनोनिम पूछ रहा हूं सीधा एंटोनिम पूछ रहा हूं अब

ठीक है कैरोल सेंडोर्स हैव नॉट बीन एक्सेप्शनल अब बताइए आपको इसमें यह छोड़ना है मेजोरिटी एक्सेप्शनल इग्नोमिनस और कैरोल किसकी स्पेलिंग गलत है किसकी स्पेलिंग गलत है आपको यह बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने बोला सर इग्नोमिनस मिनस इग्नोमिनस ठीक है वेरी गुड तो इसकी जरा बताना हमारे मिसपेल्ट वर्ड आपको ने चुना Ignominous. ठीक है भैया एक बच्चा अलग ही है एक अलग ही आंसर अगले अलग ही खोया हुआ है ठीक है? है गलत है ठीक है वेरी गुड तो भाई साहब एक बात बताओ इसके लिए हमने बोला इन द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड द मिस एंड राइट दैट वर्ड करेक्टली सो इग्नोमिनस ठीक है करेक्ट <laughs> है क्या होगी इसकी स्पेलिंग अब आपको यह देखना बेटा अगर मैं बोल दू सर इग्नोमिनस अगर हम देखें तो यह कैसे हो जाएगा हाँ यहां तो भूल ही गया तो मैटर से पहले क्या आना था मैटर्स मैटर्स क्या हुए? मैटर्स क्या हुए हुए बेटा वेरी गुड बिल्कुल तो ये ठीक ये हो गई ये हमने ये बता दिया तो आपको यह बताना बेटा फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड द सेंटेम वर्ड तो इसमें ढूंढो और राइट दैट वर्ड करेक्टली और उसको इसको करेक्टली लिखो अच्छा कह रहा है क्वेश्चन समझा दो क्वेश्चन ये होता है बेटा इसमें होता है आप सेंटेंस पढ़ो उसमें से मिसपेल्ट वर्ड ढूंढो और उसका ठीक ढूंढो कहा है मतलब नया तरीका स्पेलिंग पूछने का यार <laughs> अब मैं डायरेक्ट ये बोल देता ये स्पेलिंग दे देता फिर आप कहते हैं तो गलत है तो गलत और फिर सही भी लिखो मतलब दो क्वेश्चन बना दिए पहले तो गलत ढूंढो फिर सही करो आ जाओ सर फोर्थ फोर्थ है अब आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसक्रेडिटेबल हा इस सेंटेंस में है ना तो गलत ढूंढना है उसको सही करके लिखना है एक क्वेश्चन हुआ अगला मैंने क्वेश्चन बनाया अब आपको क्या करना है डिसक्रेडिटेबल इस सेंटेंस में यूज हुआ है एक वर्ड जो उसका एंटोनिम है ढूंढो इस वर्ड का इस सेंटेंस में एंटोनिम कौन सा है इस वर्ड का इस सेंटेंस में एंटोनिम कौन सा है आपको यह ढूंढना है आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर चार में इस वर्ड का तो मुझे सर एक बात बताओ। का मतलब क्या होता है जिस पर आप भरोसा नहीं करो जो रेस्पेक्ट के काबिल ना हो इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है सर, जो रेस्पेक्ट हो जिसकी इसका मतलब इस सेंटेंस में इसका एंटोनिम यह है अब यह क्वेश्चन बना रहा हूं भाई ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पूछ रहा है 2023 का सीजीएल ले लो सीजीएल आपका सीडीएस आपका सीपीओ आपका सीपीओ भी ठीक है आपके बड़े बड़े एग्जाम्स जो हैं इन पैटर्न को अपना रहे हैं ये पैटर्न थे बेटा पहले बैंक में अब वहां से पैटर्न उठा रहे हैं। तो इस चीज को अब आपको पेपर में पागलों की तरह इंटोर्निम सिनोनिम नहीं करोगे और मैं इतने दिन से क्यों पागलों की तरह भोक रहा हूं क्यों पागलो की तरफ तो भूक रहा हूं मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर में बच्चे एंटोनिम सोनोम लेता है एंटोनिम्स का ये सनोनिम भी एंटोनिम ये ऐसे नहीं रट रहा एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी सर आपको अब एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी भाई एक दिन में सात हजार बुक ऐसी नहीं गई सिर्फ एक दिन की है वो सोचो महीने में कितनी जाएंगे अब क्यों क्योंकि मेहनत की है बेटा अब ये चीज है डन है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में क्या कहता है आई फाइंड देयर व्यूज ठीक है डिजर्विंग टू बी हेटेड अब इसके लिए आपको वन वर्ड सब्टीट्यूशन बनाना है अरे गुरु जी क्या मजे ले रहे हो मजे देखा देखो ना बेटा मैंने क्वेश्चन एक सेंटेंस लिख दिया मैंने बोला इसमें जो है हा इसका कौन सा वन वर्ड सब्जीट्यूशन है हाँ, इन चारों में से डिजर्विंग टू बी हेटेड आई व्यूज सर मैंने उनके विचारों को पाया हां वो तो नफरत के लायक है सर अब बताओ छोटे बड़ी जल्दी सी बोल रहे हैं क्यों क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया बेटा समझ में आई इसलिए जब जयदीप सर किताब लिखते हैं ना वो कैब की सर आग लगाऊंगा बहुत ध्यान से चीजों को बनाता अब बताओ भाई साहब असाइनमेंट बने में असाइनमेंट बनने में छोटे दो घंटा लगता है मेरा एक इस एक घंटे की क्लास में सर रेस्पेक्ट कीजिएगा बस उस दो घंटे की आओ देखो अब अब अगले में क्या खुरापात कर दिया सर स्लेक्ट देंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है

एम आर आई कैन डेलिमेट इसका मतलब अच्छा गुरु जी इस पे खेल रहे हो आप हैं इस पे खेल रहे हो आप है ना इस पे खेल रहे हो आप क्यों क्योंकि गुरु जी आज आपने ये वर्ड कराया है इसलिए जान पूछ के आपने क्वेश्चन सेम रखा बट गुरु जी आप घूम गए उसपे हैं इसका मतलब बेटा इसकी स्पेलिंग किसमें सही है इसमें सही है पेपर में ध्यान गया आपका हाँ इसमें गलत इसमें गलत इसमें गलत, इस गलत ये गया तो आपने बोल दिया नो स्पेलिंग एरर <laughs> क्योंकि डेली नीट की स्पेलिंग सर इसमें सही है डेली नीट की स्पेलिंग इसमें सही है पसंद आ रही है चीजें पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना भाई <laughs> अच्छी लगी कि क्लास नहीं आ रहा मजा आ रहा है ना बेटा बनाऊ ना ऐसे क्वेश्चन पाजी सीधे सीधे भी बना रहा हूं डायरेक्ट सिनोनियम पूछ रहा हूं डायरेक्ट एंटोनिम पूछ रहा हूं डायरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा हूं घुमा के भी पूछ रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा हूं सेंटेंस में भी पूछ रहा हूं पूरी जान झोंक रहा हूं सर आपके लिए अब कोई बच्चा मुझ पर यह लालचन नहीं लगा सकता सर यूट्यूब का बैच है तो आप हल्के में बेटा बिल्कुल अपने पेड़ बैच की तरह मैं कसम से पेन हाथ में अगर मैं अपना पेड बैच भी निकालता ना बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करता अगर मैं आपसे पैसे भी लेता ना वो कैब बैच के और मैं फ्री में भी ऐसे ही पढ़ा बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाता भाई इतना ही सीरियस होके इतनी मेहनत करके जैसे पेड बैच को पढ़ाता हूं बेटा पेड़ बैच में बहुत मेहनत झोंकता हूं मैं अपने फाउंडेशन में वैसे ही इसमें झोंक रहा हूं अगला देखो क्या करें गुरु जी हाँ सीधा सीधा क्या पूछ लिया एंटोनिम भाई हर पढ़ाओ के क्वेश्चन सीधा एंटोनिम बताओ विविड का एंटोनिम क्या होगा सर वेग कितनी जल्दी बता दिया आपने ठीक है सर वेग होगा सीधा बता दिया आपने बोला सर सीधा है लेकिन अगला क्वेश्चन अच्छा देखो फिर से मैं खुरापात क्या करूंगा अब मैंने डायरेक्ट सिनोनिम पूछा अब कई ठीक है हाँ। अरे मेरे भाई मैंने चैलेंज करा आपको यूट्यूब पे हर टीचर मेरा कॉपी पेस्ट करे हुए दिख जाएगा मेरा पैटर्न कॉपी पेस्ट करेंगे मेरा तरीका कॉपी पेस्ट करेंगे मेरे मजाक कॉपी पेस्ट करेंगे मेरा लहजा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है क्योंकि मैं अलग ही धुन में पढ़ाता हूँ यूट्यूब हो या कैसे हो हर चीज है छोटे आपको सब बेटा वही जिंदगी में काम ऐसा करो कि दुनिया पीछे पीछे फॉलो करे कि हाँ कुछ नया है तो जयदीप सर लेके आएंगे इंग्लिश में कुछ नया करना है जयदीप सर लेके आएंगे यूट्यूब हो या कहीं भाई ऐसा नया हमारे पास मिलेगा ऑनलाइन की दुनिया में नया मैं ही लाया था भाई ये मैं दिल छीना चौड़ा करके बोलता हूँ

जिसमें पिक्चर बने फॉर्म ऑफ पिक्चर बने जो उस चीज को बताए उसके लिए फॉर्म ऑफ पिक्चर बने जो उस चीज को बताए क्या बोलते हैं जो क्लियर करेगा अनक्लियर नहीं ऑस्पिशियस प्रीशियस होता है नहीं ब्री नहीं पिक्टोरियल भी हुआ चलो सर क्वेश्चन नंबर टेन फिर क्या किया अरे सर क्या कर दिया रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली और फिलअप करना है आपने द मोस्ट सुटेबल रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड सर सीधा सीधा सिनोनिम नहीं पूछ सकते आप ना घुमा के पूछ रहा हूं आ जा अब कौन सा ऐसा वर्ड है छोटे जो इस क्वेश्चन का सिनोनिम है और यहां आ सकता है अरे फिल इन द ब्लैंक्स भी करा रहा हूं मैं तुम्हारे साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन वो कैब भाई पेपर में वो भी आते हैं क्लोज टेस्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं लगे हाथ आप बोलोगे सर दुनिया इधर से हो जाए कसम से ये अनक्लियर इट वॉज अनक्लियर द वेदर आपने अनक्लियर बोल दिया चलो तुम खुश हो गए बस भैया हम जन्नत ना लिए। आप खुश हो जन्नत ना लिए चलो भाई क्वेश्चन ग्यारह अब क्या कर रहा हूं सर सिमिलर वर्ड अब बता सिनोनीर वर्ड डिप्लीट करने का मतलब क्या था बेटा कम करना खत्म है ना स्ट्रेंथन सर एंटोनिम है ये इसका नहीं सर इमेटीरियल नहीं सर कल कराया था आपने

अपोजिट सर अभी तो नहीं सर नहीं नहीं कम नहीं सर बेरें, फोर बेरे में बेटा चिंता मत करो तुम तो। अब जो बच्चा मुझ पर मैं मजाक में कह रहा था सासू मां उसको वो बच्चा मुझसे क्या कह रहा था सर पुराना बैच आपने हाँ बंद कर दिया उसका कारण क्या था नहीं का बेटा उसका कारण यही था

एग्जॉस्ट की स्पेलिंग में चलो मेरे दोस्त इसलिए भाई साहब मेहनत करेंगे दोनों भाई मिलके सिलेक्ट क्रेकली बताओ आज की क्लास में हुआ है, सही है सर। चलो आप बोलो वन वर्ड सब टूडिशन दू कॉज अल टू ओबे फॉलो कर फॉलो कर कानून फॉलो कर कानून फॉलो कर उसके लिए क्या यूज करते हैं कंज्यूम है इनफोर्स याद है पुलिस कानून फॉलो वन वर्ड में पूछ लेगा अब मेरे दोस्त आपको एक और बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं जाना नहीं अभी बैठो एक चीज आपको मैं प्यारी सी दिखा रहा हूं और कल भी मैं वो दिखाऊंगा उसमें है सर ये आपके लिए दो चेहरे एक तो आए नहीं क्या यहां जयदीप सर कहा गए ये रहे देखो जी हमने एक बहुत प्यारी चीज रेडी की है एक तो बेटा आप सबको ये बता दू आपके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन और साथ के साथ देखो भाई इस बार मैं कुछ चेंजेस सारे बैचेज में लेकर आ रहा हूं बेटा वो ये चेंज है डाउनलोड होगी ना पिक देखो मेरे भाई एक प्यारी चीज है वो सिलेबस से रिलेटेड है और पहले एक बार मैं बैच भी दिखा दू मेरा बैच दिख बाद में बैच से रिलेटेड चीज एक तो बेटा जिसको फाउंडेशन बैच चाहिए वो डाउनलोड कर लो कैरियर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो बिंदास एक तो ये चीज है जी ठीक है ये फाउंडेशन बैच है बेटा जिसमें एकदम जीरो टू हीरो बना दूंगा आपको बहुत बेसिक से सारी चीजें होंगी नाउन से ये टॉपिक चालू होगा ठीक है कल इसकी डेमो क्लास है ग्यारह बजे आप हमारे कैरेवल ऐप पे जाओगे आपको बैच दिख जाएगा दूसरी चीज सर मैं इस बार क्या कर रहा हूं इस बार अलग ही जयदीप सर आप देखोगे देखो हर साल अपडेट ना करो तो जयदीप सर जयदीप सर कहाँ रहेंगे सर जयदीप को जयदीप सर बनने में बहुत मेहनत लगी है और वो यही है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह अब सिलेक्शन की बारी आपकी ये बेहतरीन चेहरे मेरे स्टूडेंट्स के ठीक है जिन्होंने भाई साहब गजब ढाया अब इन चेहरों में मुझे आपका चेहरा देखना है सर खून पसीना एक किया था इन स्टूडेंट्स ने खून पसीना एक किया था जैसे इसकी बात बताऊं ये जो स्टूडेंट पढ़ा ये लॉकडाउन में था यश सीडीएस रैंक टू की बात कर रहा हूं बेटा यश की मैं सर मुझे बहुत स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू लेते हैं रैंक होल्डर्स का लेकिन यश की बात ही अलग थी और सबसे अच्छी बात ये थी अपने पापा और बड़े भाई के साथ मिलने मुझसे जब कोई फैमिली के साथ आता है तो मुझे और भी बहुत गजब का और प्यारा लगता है ठीक है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये आना मिलने आते स्टूडेंट लेकिन परिवार के साथ आना अगर समय मिल पाए आपके मम्मी पापा को तो सिलेबस हाँ फिर नीचे आप देखेंगे दो की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हाँ और ये होंगी मेरी इस बार की प्लानिंग कल चर्चा करेंगे इस बार कुछ नया है मैं नया का मतलब हर चीज अपडेट कर रहा हूं मैं हर चीज

और है इरादा कि इन रैंक्स में से अगली बार आप तुम लाओ इन रैंक होल्डर में से अब अगले रैंक होल्डर आप बन के निकल के ठीक है चलिए सर तो ये जो बैच है लड्डू वो ये ठीक है अब सर जो बच्चे हम पढ़ लिए क्या आप फिर दोबारा बैच ले नहीं सर आप मेरे से पढ़ लियो एक बार में काफी है बच्चे। बहुत सिद्धत से आपको पढ़ा है नया क्या कराऊं बेटा हूं वो कैब करा रहा हूं वो यूट्यूब पर करा ताकि सब बच्चों को फायदा हो तो कोई भी पुराना बच्चा अगर दोबारा एडमिशन लेना चाहता है प्लीज मतलब सर आप अपने पुराने बैच को कंप्लीट करो एक साल की वैलिडिटी मिलती है बेटा दोबारा पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्चना आप एक बार ज्वाइन कर लो मेरा बैच जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया कसम से वादा कर रहा हूं कोई भी टीचर आपको इंग्लिश का पसंद नहीं आएगा जयदीप सर के अलावा क्योंकि कोई इतना डीपली पागलों की तरह मेहनत करके पढ़ाता ही नहीं है इस लेवल पे जाता ही नहीं चाहे वो वोकैब का लेवल हो चाहे वो ग्रामर का लेवल हो चाहे कॉम्प्रीहशन का लेवल हो इस लेवल तक टीचर आसपास भी नहीं फटकेगा ये मेरा वादा है आपसे ठीक है वो गजब है अपनली आप में अल्टीमेट है ठीक है चलिए सर तो ये छोटी सी खुशी जाहिर करनी थी और भी कोई बात है तो बता दीजिएगा अब मुलाकात सर कल करेंगे और कल इससे आगे बढ़ेंगे तो वो कैब याद उतनी करेंगे बेटा बस टेस्ट का काम है वरना मैं भी क्लास ये ना मैं भी एक क्लास आधे घंटे में करा सकता हूं 25 मिनट में करास करा देता लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो प्रैक्टिस भी यूं ही चलेगी और जिस लेवल पे मैं पहली क्लास में सीरियस था वो कैब की आपको अंत वाली क्लास तक जयदीप सर का यही एनर्जी और यही सीरियसनेस आप देखोगे आपसे बस एक ही बात आ के लिए सीरियस प्रैक्टिस बैच बीस तारीख को आएगा के लिए सीरियस आग लगा देंगे कसम है ये चीज और मैंने पहले भी कहा है एक गरीब के लिए नया साल इसलिए आता है ताकि वो नया साल उसको ये एहसास करा सके कि इस साल तुझे अपने घर पे सफेदी अपने पैसों की करानी है इस साल अपने बूढ़े मां बाप को एक वादा करना है कि मम्मी पापा 2024 में जान झोंक देगा आपका ये बेटा या आपकी ये बिटिया यही आपके गुरु ने कसम खाई है 2024 में साला तूफान मचा देंगे इंग्लिश में एक ही नाम सुनाई देगा जयदीप सिंह ये मेरा वादा है आपसे चाहे वो कैब हो चाहे ग्रामर हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे प्रैक्टिस हो चाहे, चाहे जबरदस्त किताबें आप तक पहुंचाने का हो इतना जिस दिन आप बोल्ड होके सामने खड़ा होकर अपने मां बाप के बोल दोगे ना ये मेरा वादा है 2024 में मैं आग लगा दूंगा सर तब आग लगती है और तो कोई और होंगे जो कहते हैं अपने प्लान कभी मत बताओ अपने प्लान मत बताओ किसी को चुपचाप से काम करो बाहर में गया साला ढिंडोरा पीट के काम करेंगे दिन दहाड़े इसी अग्रेशन के साथ मेरा फंडा उल्टा है सबको प्लान बता रहा हूं अपने रोक सको तो रोक लो क्यों क्योंकि दिन रात एक करना है अभी बैठ के किताब लिखता हूं मैं रात को क्लाप की क्लास के बाद अभी बैठूंगा ऑफिस में बारह बजे तक ग्यारह बारह तक बैठ के तब घर निकलू तो मैं तो खुलेआम बता रहा हूं भाई वो कैब का ढिंडो रहा दो महीने के अंदर अंदर दो महीने के बाद यानी कि अप्रैल में अप्रैल एंड तक मानो आपके पास द कंप्लीट ग्रामर बुक होगी और बड़ी जबरदस्त किताब लिख रहा हूं जैसे आपको वो कैब करा रहा हूं वैसे ही उसकी है इसलिए बेटा उस फंडे पे मत चलो अपनी प्लानिंग सर किसी को मत बताओ ये मत करो छुप के काम करना अबे झंडू किसी को बताएगा ही नहीं तो कौन तुझे टोकेगा जब अपनी प्लानिंग किसी को बताओगे नहीं तो कौन टोकेगा तू कर नहीं रहा उस काम को क्यों क्योंकि छिपा के थे हाँ तो खुद ही में खुद ही के मैंने बढ़िया है मियाँ मिट्टू बने हुए हो कुछ कर ही नहीं रहे हो अरे कल से जल्दी उठूंगा हाँ खुद ही को बोला था सोते रह गए कौन ताने मारेगा दम चाहिए सरेआम भबकारने के लिए समझ में आई वो रोंगते खड़े होने चाहिए बबकारते वक्त की मेहनत करूंगा तो अपने बाप को अगर चेहरा देखते हुए हुए फेस करते कह दो हजार चौबीस में मम्मी। सोगंद है आपकी पढ़ाई के अलावा कुछ करता नहीं देखूंगा छुछुरा करता नहीं देखूंगा मटर गस्ती करता नहीं दिखूंगा और साली दस रुपए की चाय लेके टपरी पे खड़ा हुआ नहीं दिखूंगा, दिखूंगा। मम्मी सौगंध है आपकी 2024 में आपका है लड़का या आपकी बेटी आपको पढ़ाई के अलावा कुछ करती दिखाई नहीं देगी इसके लिए ना दम चाहिए गुरद में तब निकलते हैं शब्द जबान से और ये नहीं कह के सो गए 2024 बहुत लंबा साल है अभी जनवरी कटा ही है बस समझ में आए ग्यारह महीने ऐसी तैसी हो जाती है और मैं आपको सीधा बोल रहा हूं जिस एनर्जी के साथ आपको अब दिख रहा हूं बेटा वैसे ही दिखूंगा लेकिन वही वादा मैं आपसे भी चाहता हूं दो चार दिन की दिवाली नहीं है ये समझ में आई बात ये लंबी रेस है मैराथन दौड़ने का दम है तो उतरिए वो कैब बैच में नो क्लास में वो कैब खत्म नहीं हुई अभी अभी आप देखो अभी आपके वर्ड्स नॉलेज बढ़ती जा रही है अभी आपके 400 500 वर्ड हुए हैं ये वर्ड 6000 तक हुए बट दोनों को मिलकर उस अगर किताब को आगे से मैं याद करा रहा हूं तो पीछे से आप भी कर लो मेहनत झोंक रहा हूं इसलिए डांट रहा हूं तुम इसलिए बोल रहा हूं तो युद्ध है ये जंग लड़नी है इसलिए मैंने कहा दो में एक ही नाम सुनोगे इंग्लिश में कौन है टीचर जो इंग्लिश के मेहनत करते हैं जयदीप सर भाई क्या करते हैं ग्रामर भी पढ़ाते हैं वो वो कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ाते हैं पेड़ बैच है लेकिन फ्री के बराबर है ग्यारह सौ बारह सौ रुपये कुछ फ्रीज नहीं होती है सर वो कैब फ्री कराते हैं है यूट्यूब पर एनर्जी के साथ मस्त टेस्ट के साथ एकदम पेड़ बैच की तरह ठीक है चलिए किसी को कोई बुरा लगा हो तो मेरी बात का क्षमा कीजिएगा मुझे लेकिन दिल से मैं बोलता हूं और दिल तक आपके वो उतर रही होगी मेहनत करेंगे पागल कुत्तों की तरह सर अपने को कोई टेंशन नहीं ठीक है अपने को, को कोई टेंशन नहीं है कोई कर सके तो आप बराबरी में हम पागल हो चुके हैं दो में हम मेहनत रोकेंगे भाई वो कैब वॉल्यूम वन वो कैब वॉल्यूम टू और अब आ रही है अप्रैल एंड में द कंप्लीट ग्रामर की बुक बहुत जबरदस्त टॉपिक वाइज एरर होंगे पहले ही बता रहा हूं कभी कोई आइडिया पहले चला रहे पहले ही बोल दे रहा हूं भैया पहले मेरी किताब में क्या क्या होगा पता चले क्योंकि मैं वो कैब की बुक मैंने निकाली कई टीचर्स ने वो कैब की बुक निकाल दी क्यों क्योंकि बिकने लग गई अब उन्होंने ये नहीं सोचा अरे भाई साहब तुम कॉपी तो करो देख तो लो किसने लिखी है छोटे क्या एक्सप्लेनेशन बराबरी नहीं कर पाओगे वही मैं तुम्हें कह रहा हूं

अपने प्लान बताओ मत छिपके करो छिपके करो ठीक है छिपके कहा काम करोगे दिन दहाड़े बबकारोगे इसलिए जो सिगरेट छोड़ते हैं ना पता है क्या करते हैं मैं मैं ना सिगरेट नहीं पीऊंगा किसको बताया साला ऐसे दोस्त को बताया जो खुद सिगरेट पीता है दम है तो किसी ऐसे को बता जो तेरे मुंह पे मुफट होके बोले क्या हो गया होगी ऐसी तैसी तू तो, तो साले सिगरेट छोड़ रहा था छोड़ना अब किसी ऐसे को बताओ बट ऐसे को बताने के लिए खुद में दम रखना है कि भाई आज से सिगरेट छोड़ रहा हूं किसी को भी बोल दो फिर क्या करेगा पाजी आपका दोस्त हक से बोलेगा साले सिगरेट छोड़ रहा था ना नहीं छुट्टी क्या इतना ही दम था इसलिए उस चीज को बबकार दो ठीक है चाहे दुश्मन हो प्यारा किसी को भी बट फिर जब भी रात को सोने का मन करे साला कईयों को बोल दिया यार मैंने हाँ नहीं सोना <laughs> कइयों को बोल दिया नहीं सोना तो वो जो बुरे रिश्तेदार हैं वो जो बुरे दोस्त हैं वो वो अपने आप ही नहीं सोने देंगे क्या हुआ तेरा वादा तेरी कसम वो इरादा वो तुम्हें अपने आप जगह रखेंगे वो तुम्हें अपने आप अप जगह रखेंगे तो आप भी ऐसे ही बोलो कि सर इस बार इन चेहरों में आपको जयदीप सर हम भी नजर आएंगे इन चेहरों में हम भी आपको नजर आएंगे तो आप जब ऐसा बोलोगे छोटो तो आपका भी मन करेगा कि इन चेहरों में हम भी आपको अगली बार नजर आएंगे कौन कौन कर रहा है वादा जरा सोच समझ के की कीजिएगा छोटे ये निब्बा निब्बी नहीं खेल रहे हो यहाँ सिलेक्शन है और लाखों बच्चे सोच समझ के की वादा कीजिएगा अगली बार कौन कौन रैंक होल्डर आ रहा है चलो आज बहुत मोटिवेट कर दिया चलो मैं किताब लिख लो तुम अपना मैथ्स वगैरह कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ चला जी बाय टेक केयर जय हिंद कल सुबह कल सुबह कह रहा हूँ कल शाम को छह बजे फिर से मुलाकात होगी क्लास नंबर दस में इसी रंगमंच के साथ पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे टेस्ट भी और ये भी अभी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ ठीक है और ऐप पे भी उसको अपलोड करा दूंगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन जो जो बच्चा इंस्टाग्राम पर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा जो नया हमारे साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा